नमस्कार सभी को, मैं हेमंत बसवाल, वर्णमाला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी देखा था और उसमें हमने ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस या फिर जो प्राच्यवादी इतिहासकार हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और ग्रंथों का अनुवाद किया और जेम्स प्रिंसेप ने जो है उन लिपियों को पढ़ने की कोशिश की, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की कोशिश की जो अब तक नहीं पढ़ी गई थी, और उससे प्राचीन भारतीय भाषा और ज्ञान और संस्कृति का हमें और ज़्यादा हमें विवरण देखने के लिए मिलता है, और या फिर कहें कि उसकी एक उन्होंने परंपरा डाल दी। और उसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने भारत के अंदर पुरातत्व से रिलेटेड और या कहें कि अभिलेखों को पढ़ने की और आर्कियोलॉजी की उन्होंने परंपरा भारत में स्थापित की और एएसआई की स्थापना की। आज हम पढ़ेंगे साम्राज्यवादी भारतीय इतिहासकारों के बारे में या फिर इंपीरियलिस्ट इतिहासकारों के बारे में, जिन्होंने कहें कि कंपनी के लिए या फिर ब्रिटिश शासन के लिए उन्होंने काम करने का प्रयास किया और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन और भारतीय इतिहास का अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करने की उन्होंने कोशिश की। तो सबसे पहले जिस इतिहासकार की हम बात करेंगे या फिर एक तरह से कहें कि पहले बात कर लेते हैं कि ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं तो इन्होंने किस आधार पर लेखन किया। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे जो ईसाई मिशनरीज थी वो भारत आने लगी थी और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास किया ताकि उन अगर हम पहले लोगों को जान लेते हैं तो उनको अपने धर्म में दीक्षित करना आसान रहेगा कि उनके क्या विश्वास है और उनको किस प्रकार से समझाया जाए कि वो ईसाई धर्म अपना लें। तो उन्होंने भी भारतीय लोगों के बारे में कुछ विवरण लिख छोड़े थे। लेकिन जब हम कंपनी के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो जेम्स मिल एक प्रमुख इतिहासकार के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कहें कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसके ये कट्टर समर्थक और इस सिद्धांत को वो भारतीय इतिहास में लागू करने का प्रयास करते हैं, जो कि जेरेमी बेंथम का ये सिद्धांत है उपयोगितावादी। इस उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार वो क्या कहते हैं कि जो भी वस्तु जिसका उपयोग नहीं हो रहा है तो वह मूल्यवान नहीं है। तो इसी प्रकार ये इस इंटरप्रिटेशन को, और अगर वो उपयोग में नहीं आ रही है तो उसके अंदर कोई समस्या है तो या तो उसको सुधारिए या फिर उसको हटा दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। अब इसी चीज़ को ये भारतीय संदर्भ में जेम्स मिल लागू करने का प्रयास करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति और जो प्रशासन है वो खराब हो चुका है और उससे बेकार शासन कोई हो नहीं सकता। इस वजह से वो बेकार हो चुका है तो उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सुधार किया है और ब्रिटिशर्स का जो शासन है वही यहाँ पर उपयोगिता इसकी सिद्ध कर सकता है और वही यहाँ पर उपयोगी है, क्योंकि पुराना जो शासन है वो बेकार हो चुका है और इस व्यवस्था को चलाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ब्रिटिश शासन यहाँ पर ज़रूरी है ताकि यहाँ के समाज को और यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके, और ये जो पुरानी संस्कृति है इसका हमें त्याग करना चाहिए। इसको अपनी पुस्तक ये लिखते हैं एक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये एक बुक ये लिखते हैं 1817 में, और इस बुक के अंदर ये अपने जो उपयोगितावादी अवधारणा है इसको लागू करने का प्रयास करते हैं। अब इस बुक को अगर हम देखें तो ये इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि जहाँ पर कंपनी के जो लोक प्रशासक थे उनका जहाँ पर प्रशिक्षण हुआ करता था, जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई होती थी उस यूनिवर्सिटी के अंदर इसको शुरुआत से लेकर के और कहें कि 1855 तक जब से ये स्टार्ट हुई, या मान लो कि 1820 से लेकर के 1855 तक इस बुक के अंदर जो अवधारणा है और इस बुक को उनके पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया, ताकि जो भारत में जो जाकर शासन देखेंगे तो वो इसका भारत के बारे में पहले इस बुक से ज्ञान प्राप्त कर ले कि भारतीय प्रशासन और भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है और वहाँ पे हमें जाकर किस प्रकार से काम करना है। तो ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो अब ये जो जेम्स मिल है इनका जो सिद्धांत था उसके साथ भी कुछ लोग थे और उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग थे। तो इनके अगेंस्ट में या फिर कहें कि इनके साथ में जो लोग थे, सबसे पहले उनकी बात कर लें तो वो एक पहले तो हैं
मैं काले, मैं काले जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में या फिर कहें कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये इस बुक का इतना कट्टर समर्थन करते हैं कि अब से पहले जो गिब्बन की जो पुस्तक है उसके बाद में ये पहली पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और गिब्बन की पुस्तक के बाद सबसे महानतम पुस्तक का इसको मैकाले दर्जा देते हैं। मैकाले आप जानते होंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो इन्हीं की देन है, इन्होंने बदलाव किया था, यहाँ पर लेके आए थे। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो इनके समर्थन में दूसरे आते हैं इलियट, जिनका पूरा नाम है हेनरी हेनरी एलियट, और एक दूसरे और है इनके साथी, इसको प्लस कर देते हैं या फिर कहें कि ये दूसरे इतिहासकार भी मान सकते हैं इनको, इनको अगर प्रथम इतिहासकार मानते हैं तो इसको हम, क्योंकि ये भी यहाँ पर भारतीय ग्रंथों का या फिर कहें कि फारसी ग्रंथों का अनुवाद और मुगल और सल्तनतकालीन जो इतिहास है उसके बारे में ये काफ़ी अच्छा विवरण छोड़कर जाते हैं और एक बुक भी प्रकाशित करते हैं। उसके साथ है जॉन डॉन्स डाउसन, तो ये जॉन डाउसन जो है ये हिंदुस्तानी के प्रोफेसर रहते हैं लंदन में एक कॉलेज के अंदर, तो इसकी इनकी सहायता से एक बुक प्रकाशित करते हैं जिस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। उसका नाम मैं लिख देता हूँ, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। तो जो मध्यकालीन जो इतिहासकार हैं जिन्होंने बदायूनी बरनी वगैरह जितने भी इतिहासकार हैं उनके जो लेखन हैं जो फारसी में उन्होंने लिखा था, फारसी जो लेखन है तो उसके ये विद्वान होते हैं, पहले फारसी सीखते हैं और उसके बाद में इन ग्रंथों का ये अनुवाद करते हैं और ये लिख के छोड़ के जाते हैं। जितने भी अब भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं या फिर कहीं की जो रिसर्च है वो मुख्यतः इन्हीं के कार्यों पर, हेनरी इलियट और डॉनसन के जो कार्य हैं उनके ऊपर निर्भर करती थी। इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक इलियट ने डाउसन के साथ मिलकर ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो जब भी नाम आता है तो इनका एक साथ ही नाम आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब जो इसके बाद जो लोग आते हैं वो एक तरह से कहें कि या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर इनके सिद्धांत से वो वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन एक हिस्टोरियन ऐसे हैं जो कि जेम्स मिल के कट्टर विरोधी होते हैं, कट्टर भी नहीं कहे तो इनकी सिद्धांत को वो चुनौती देते हैं, और उनका नाम है माउंट स्टुअर्ट एल्विंस्टन। माउंट स्टुअर्ट एल्विंस्टन, ये जो एल्विंस्टन है ये जेम्स की जो उपयोगितावादी अवधारणा है उसका विरोध करते हैं, और साथ में जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए एक उदार हृदय या फिर कहें कि उदार रुख अपनाते हैं और उस संस्कृति को सच में जानने का प्रयास करते हैं। जो मिल की जो अवधारणा है, जो मिल जो चाहते हैं वो उसको जानना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी एक अवधारणा देना चाहते हैं ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन है उसको वो एक तरह से स्थापित कर पाएँ ताकि ये बहुत सालों तक यहाँ से ना जाए और ऐसी चीज़ों को स्थापित कर दें, इस प्रकार के विचारों को स्थापित कर दें जो कि भारतीयों के मन में बिठा दिए जाएँ और जो ब्रिटिश प्रशासक यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में बिठा दिए जाएँ ताकि यहाँ पर शासन करना आसान हो जाए। लेकिन ये सच में जो भारतीय ज्ञान है उसकी जानकारी जानना चाहते थे और उसके अकॉर्डिंग ये अपना लेखन कार्य भी करते हैं। ये पहले तो बम्बई में गवर्नर होते हैं लेकिन ये इस पद से इस्तीफा या फिर अवकाश ले लेते हैं और उसके बाद में ये अपना जो इंडोलॉजी है उस पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो इन्होंने लिखा है तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम इनका हमें देखने के लिए मिलता है वो तो एक तो कालक्रम पे,
इन्होंने जो कालक्रम लिखा है, इनकी पुस्तक का मैं अगर नाम बताऊं तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडियन। हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया। अब जो पुस्तकों के नाम है उनसे भी आपको इतिहास की अवधारणा एक प्रकार से समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं और किन चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और किस प्रकार से भारतीय इतिहास को ये समझ पा रहे हैं। तो अब इन्होंने जो लिखा हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि इन्होंने जो भारतीय इतिहास है, अगर इनकी पुस्तक के अंदर भी उस चीज़ को देखा जाए तो जो भारतीय इतिहास है उसको अभी तक ब्रिटिशर्स आने से पहले दो तरह से समझा जा सकता है कि जो मध्यकाल है उसको जो मुस्लिम्स हैं उनके शासन के तौर पर और जो उससे पहले का शासन है उसको हिंदू शासन के तौर पर देखा जा सकता है। तो हिंदुओं का काल हो गया प्राचीन काल और उसके बाद जो शासन जो काल आता है उसको मध्यकाल को ये मुस्लिमों के काल में या फिर मुस्लिम शासकों के काल में देखने का प्रयास करते हैं। और उसी तरह से हालांकि यहाँ पे ये गलती है लेकिन जो इनका कालक्रम है जो ये एक डेट और क्रोनोलॉजी जो ये डिसाइड करते हैं वो सेम क्रोनोलॉजी है या फिर कहें कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है जिसको कि हम आज यूज करते हैं। इन्होंने जो ऋग्वेद की जो डेट देखी है ऋग्वेदिक काल की या फिर ऋग्वेद की जो डेट देखी है इन्होंने ये है 1400 BCE और आज भी हम इसी काल को ऋग्वेदिक काल यहाँ से शुरुआत मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहें कि जो और भी काल है जैसे अशोक का काल है उसको ये 400 BCE का काल देते हैं और उसके बाद एक है गुप्ता काल है उसको ये 400 CE का काल देते हैं, ठीक है, या फिर AD। इस तरह से जो इनका जो कालक्रम जो इन्होंने निर्धारित किया है वो काफ़ी सटीक है और काफ़ी ठीक ठीक है जो हम आज प्रयोग में लाते हैं। तो ये एक इनका बड़ा योगदान हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इनके भी या फिर इन्होंने इनके शिष्य कह लो या फिर इनकी चीज़ों का जिन्होंने अनुसरण किया वो हमें इतिहासकार देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले दो इतिहासकार हो गए, पहले जेम्स मिल और दूसरे एलियट और डाउनसन, दो लोग हैं, वो लोग हैं जो कि उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एलियट और डाउनसन भी उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन करते थे और जेम्स मिल की अवधारणा से ही वो इंस्पायर्ड थे। इसके बाद जो आते हैं एल्फिंस्टन के बाद जो आते हैं उनका नाम है, आपने कर्नल टोड का नाम सुना होगा या फिर जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है, और एक और हिस्टोरियन है ग्रांट डफ, ग्रांट डफ जो है उनको जो एल्फिंस्टन है वो जो पेशवाओं के जो दस्तावेज हैं प्रशासनिक दस्तावेज हैं वो उपलब्ध करवा देते हैं, जो एल्फिंस्टन है वो इनको उपलब्ध करवा देते हैं। और इसके बाद इनका अध्ययन करने के बाद ये लिखते हैं मराठाओं के ऊपर ये इतिहास लिखते हैं, मराठाओं के बारे में इतिहास लिखते हैं, ये लिखते हैं ए हिस्ट्री ऑफ द मराठास, तो मराठाओं का जब हम इतिहास पढ़ेंगे आज भी तो इनका जो कार्य जो ये करके गए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसको पढ़ना, और इसके आधार पर ही नई नई रिसर्च होती है इनकी कार्य को सुधारते हुए ही या फिर ये जो लिख के गए हैं विवरण, क्योंकि मूल दस्तावेज, क्योंकि काफ़ी सारे दस्तावेज लुप्त भी हो जाते हैं मिलते भी नहीं हैं, तो इनका इन्होंने एक तरह से ट्रांसलेशन भी किया है और एक तरह से उसको स्थापित करके गए हैं मराठा इतिहास की एक तरह से स्थापना करके गए हैं उस इतिहास लेखन की। और उसके बाद जो आते हैं उनका नाम है विलियम एस्कीन, और इनका जो कार्य हमें देखने को मिलता है वो है बाबरनामा पे, जो बाबरनामा है या फिर इसको दूसरे से लिखूं
बाबरनामा का ये अनुवाद करते हैं विलियम एस्कीन, और इनके बाद जो हिस्टोरियन है उनका नाम है जेम्स टोड। जेम्स टोड काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जैसे ये मराठास के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से ये राजस्थान के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है, और एक तरह से कहें संपूर्ण तौर पर या फिर काफ़ी ज़्यादा ये राजनीतिक इतिहास राजस्थान के जो राजपूत हैं उनका ये लिख कर गए हैं। तो इनका नाम है काफ़ी लंबा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक लिख कर गए हैं, जो काफ़ी 3 वॉल्यूम के अंदर ये बुक आती है, 3 वॉल्यूम में ये बुक हमें देखने को मिलती है। तो इनका जो कार्य राजस्थान पर ये इसी प्रकार से जैसे इनका मराठाओं पर कार्य, ये उस टाइम पर रहे वहाँ के अपने कंटेम्परेरी राजपूत राजाओं के बारे में भी इन्होंने लिखा, और उससे पहले के भी जो राजा थे उनके बारे में इन्होंने लिखा। जब राजस्थान के बारे में हम रिसर्च करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इनका नाम बार बार आता है, और इनकी जो पुस्तक है उसका हमें आधार कहीं ना कहीं पर लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक प्रकार से राजस्थान इतिहास की एक तरह से कहें कि एक वैज्ञानिक पद्धति से या फिर काफ़ी महत्वपूर्ण इनका लेखन है, जो कि नींव के रूप में हमें राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसकी नींव के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। और ये सारे इतिहासकार हैं जो कि साम्राज्यवादी या फिर इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियंस इनको बोल सकते हैं। इसके बाद जो हम हिस्टोरियंस पढ़ेंगे वो उन हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्रिटिश शासन के अंदर प्रशासक थे, और या फिर जिनको एज ए हिस्टोरियन अपॉइंट किया गया था, तो वो भी साम्राज्यवादी थे। लेकिन साम्राज्यवादियों में भी ये 3 जो लेखक हैं वो एक अपनी अलग हैसियत रखते हैं, और अपना थोड़ा सा लिबरल रवैया इनका हमें देखने को लिए मिलता है। ये जो इतिहासकार हैं ये ग्रांड डफ हैं, और इनसे पहले जो थे 4 इतिहासकार हैं, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन भी जो हैं, या फिर यहाँ पर लिख दूँ, एल्फिंस्टन जो हैं, तो ये जो 4 लोग हैं ये जो प्राच्यवादी जो लोग लिख रहे थे तो उनके लेखन पर भी निर्भर करते हैं, विलियम जोन्स के लेखन पर, और साथ में H.H. विल्सन जो लिख रहे थे उनके जो अनुवाद हैं उनके ऊपर ये रिलाई कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर साम्राज्यवादी जो लेखक है वो प्राच्यवादी लेखकों की जो लेखनी थी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो ईसाई मिशनरीज जो लिख रही थी उनका वो जेम्स मिल जो है वो कभी प्रयोग तो करते हैं लेकिन उस जगह पर उसका प्रयोग छोड़ देते हैं जहाँ पर उनको हिंदुओं का उनके तरफ से कुछ ज़्यादा बुराई ना करी गई हो या उनके बारे में कोई अच्छे शब्द उन्होंने लिख दिए तो उसको वो एक तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अवधारणा पेश करनी होती है, क्योंकि उन्हें अपना लेखन पेश करना होता है इस वजह से। और इसी तरह से वो प्राच्यवादी जो लेखक हैं, क्योंकि प्राच्यवादी लेखक भी हमें एक तरह से न्यूट्रल लगते हैं, उनकी एक हमें सामान्य या फिर नेचुरल रुचि हमें भारतीय संस्कृति के प्रति दिखाई देती है, उसको भी एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, और साथ में अपने ही क्योंकि ब्रिटिश के कहाँ कि वो इंग्लैंड के अंदर ही बैठकर लिख रहे थे, और वहाँ पर ही उनके अपने ऑफिस के अंदर ही जेम्स मिल को अपने सारे दस्तावेज इंडिया से रिलेटेड उन्हें मौजूद थे, उन्हें प्राप्त थे, और वहीं से वो लोग वो सारे इतिहास लिख रहे थे। और जबकि ये जो हैं ये भारत आए, जेम्स टोड हैं, डफ हैं, और ये लोग भारत आए और उन्होंने नेचुरल रूप से या फिर कहें कि इनका प्राकृतिक रुचि थी और एक सामान्य और कहेंगे असली जो ज्ञान है भारत का वो इनको प्राप्त करने में इनकी रुचि थी, इस वजह से एल्फिंस्टन ने अपनी जो गवर्नर का पद था उसका भी त्याग कर दिया था, शायद वो उसमें उनको या टाइम नहीं दे पा रहे हो या कोई भी कारण रहा होगा तो उसका उन्होंने बम्बई के गवर्नर पद से त्याग कर दिया था। अगले लेक्चर में मैं जो ब्रिटिश प्रशासक जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा कोई भी रिव्यू की और साथ में इसी टॉपिक की तो वह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। अब से जो क्लासेज हैं वो लगभग रेगुलर चलेंगे, रोज़ क्लासेज आएंगे, और साथ में जो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड मैं
वीडियो डालता रहूँगा। इसके अलावा इतिहास लेखन से अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियो में डालता रहूँगा। धन्यवाद।